वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी है ना, और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, हम लोग फोर स्टेज पे पढ़ते हैं ना, फोर लेवल पढ़ते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बात करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है, दैट इज़ रिस्क फैक्टर। कैसे भी करके ना, हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के का जो रिस्क फैक्टर है ना, उसे डेवलप नहीं होने देना है, उसे इमर्ज नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे कि मलेरिया के लिए क्या रिस्क फैक्टर है ना, क्या जो मॉस्क्यूटो है वो आए और हमें है ना बाइट करे, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉस्क्यूटो बेड नेट यूज़ करेंगे घर पर, है ना। दैट इज़ टाइप ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। बहुत सारा जो डिजीज़ दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उसका क्या है कारण, दैट इज़ ओबेसिटी है ना। डायबिटीज़, उसका कारण क्या है, ओबेसिटी। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि जो रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है ना, वो डेवलप ना हो। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कीवर्ड याद ये रखना है कि हमें रिस्क फैक्टर को डेवलप नहीं होने देना है, रिस्क फैक्टर को इमर्ज नहीं होने देना है। दैट विल कंस्टिट्यूट प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन हम लोग अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्री और पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड, ठीक है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज ए प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ ए रिस्क फैक्टर इन ए कंट्री और पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बच्चा ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता है और स्मोकिंग करता है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बच्चे में ओबेसिटी और हाइपरटेंशन हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड फॉर वेरियस अदर डिजीजेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन को डेवलप नहीं होने देना, क्योंकि हम लोग कौन सा प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ए रिस्क फैक्टर, ठीक है। और डेफिनेशन में हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ ए रिस्क फैक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, जो बच्चा का जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है। कैसे मॉडिफिकेशन लाएंगे, बच्चा को मना करेंगे भाई तुम फास्ट फूड मत खाओ, बच्चे को मना करेंगे भाई तुम स्मोकिंग मत करो, बच्चे को हम लोग बोलेंगे भाई एक थोड़ा देर के लिए कम से कम है ना एक्सरसाइज कर लिया करो। तो हम लोग ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंटरवेंशन कहाँ पे कर रहे हैं, इन द अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल है ना बच्चा अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिजीज, ठीक है, हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन द चाइल्डहुड बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन लाइफ स्टाइल इज फॉर्म, ठीक है। स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज है ना। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके विवेक जैन सर ने भी अपने बुक में लिखा हुआ है और पार्क में भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज हेल्पफुल स्पेशली है ना इन द प्रिवेंशन ऑफ ए क्रोनिक डिजीज। हमें यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जैसे डायबिटीज मेलिटस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज है ना। तो इसमें ये बहुत अच्छा मददगार साबित होता है क्या, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, एंड इट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमें बेसिकली यहाँ पे तीन पॉइंट्स याद रखना है, एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा इट इज स्पेशल है ना, स्पेशली इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। टॉकिंग अबाउट प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो जो बेसिक डिफरेंस है प्राइमोरियल प्रिवेंशन और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, दैट इज ऑफ रिस्क फैक्टर। अगर रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग जो प्रिवेंशन लेवल लगाएंगे दैट विल बी प्राइमोरियल, और अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुका है तो हम लोग जो प्रिवेंशन लेवल लगाएंगे दैट विल बी प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट कि कोई एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में या एक पार्टिकुलर ग्रुप में है ना क्या हुआ है, देर इज ए इंक्रीज्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, या फिर एवरेज ब्लड प्रेशर जो एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप का है वो ज़्यादा है। तो इंक्रीज्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इट इज़ अ रिस्क फैक्टर, है ना। रिस्क फैक्टर ऑलरेडी क्या हो गया, इमर्ज हो चुका है पार्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी लगाएंगे, प्राइमरी लेवल, है ना, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट कि इससे जो बहुत सारा डिजीज़ होता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर हाइपरटेंशन से भी हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है ना, बहुत सारा डिजीज़ देखने के लिए मिलता है, वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग किसका डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिजीज़ का, जबकि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में किसका डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते थे, रिस्क फैक्टर का,
है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, है ना, कब हम लोग एक्शन ले रहे हैं, प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर ऑकर, ठीक है। एक्शन लेने से क्या हुआ, एक्शन पहले कब लिया, प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, और उससे क्या हुआ, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर ऑकर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे इंटरवेंशन लेते हैं दैट इज इन प्री पैथोजेनेसिस फेज, बिकॉज अभी तक डिजीज का ऑनसेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज, खास करके हम लोग जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन है ना यूज करते हैं, इट इज़ फॉर क्रोनिक डिजीज, है ना। दो तरह का इंटरवेंशन बताया, एक तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी और दूसरा हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी को हम लोग हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, और हाई रिस्क स्ट्रेटजी को हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन का डेफिनेशन क्या है, इसका इंटरवेंशन कौन से फेज में है, और WHO ने प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के लिए है ना दो तरीका बताया, दो मोड ऑफ इंटरवेंशन बताया, एक तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी जिसको कि हम लोग हेल्थ प्रमोशन भी बोलते हैं, दूसरा हाई रिस्क स्ट्रेटजी जिसको कि हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं जो दो स्ट्रेटजी WHO ने प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमें बताया, दैट इज पॉपुलेशन और मास स्ट्रेटजी और हाई रिस्क स्ट्रेटजी और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो बेसिकली अगर हम लोग पूरा पॉपुलेशन में कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन लगाते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, बिहेवियरल चेंज और बिहेवियरल इंटरवेंशन, लाइफ स्टाइल चेंज, इन्वायरमेंटल मोडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, तो वैसे स्ट्रेटजी को हम लोग पॉपुलेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेटजी पूरे के पूरे पॉपुलेशन में चलाते रहे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या, इट इज़ डायरेक्टेड एज होल पॉपुलेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल। एग्जाम्पल, इवन ए स्मॉल रिडक्शन इन द एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल वुड प्रोड्यूस अ लार्ज रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हम लोग जो अप्रोच है ना लेते हैं या अप्रोच अप्लाई करते हैं, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, बिहेवियरल इंटरवेंशन, लाइफ स्टाइल चेंज, इन्वायरमेंटल मोडिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। टॉकिंग अबाउट हायर रिस्क स्ट्रेटजी और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, व्हाट इज इट्स एम, इट्स एम इज टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क। यहाँ पे जो हम लोग प्रिवेंटिव केयर है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल को, वैसे इंडिविजुअल को जो कि एक एट स्पेशल रिस्क है। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्टिकुलर है ना इंडिविजुअल जिसका कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, तो वहाँ पे चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भाई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करो। न्यूली बॉर्न बेबी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है क्या, बहुत तरह का ना जो डिजीज़ है वो डेवलप करे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीनेशन कर देंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन एंड वैक्सीनेशन है ना, इट कम्स अंडर हाई रिस्क स्ट्रेटजी और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन।